हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो देखिए, मैंने ये चने की दाल ले रखी है 1 कटोरी। इसको मैंने धुल के भिगा दिया था। और ये मैंने कुछ 2 प्याज लिए हैं छोटे, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, ये थोड़े 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, उसमें मैंने जीरा लिया है, तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, काली मिर्च और 2 सूखे मिर्च लिए लाल। और ये मैंने सूखे मसाले में हल्दी 1 छोटा चम्मच, धनिया और ये छोटा कसूरी लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा कलर आएगा, गरम मसाला। और ये मैंने कुछ धनिया ली है, धनिया पत्ती, घी, देसी घी, इसको हम घी में बनाएंगे। ये हींग है, नमक है। तो चलिए हम पहले दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये इस पर प्रेशर कुकर चढ़ा दिया। अब मैं इसमें ये घी डाल रही हूँ। मैं घी 1 बड़ा चम्मच ली हूँ। देखिए घी गरम हो रहा है। ये देखिए घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अपने ये खड़े मसाले डाल दे रही हूँ। तो मैं पहले जीरा डाल दे रही हूँ। मैंने 1 चम्मच जीरा ले रखा है। ऐसे साथ में ये तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, ये लौंग और ये काली मिर्च, इसको मैंने डाल दिया है। और इसमें अब हम ये अपनी हींग डाल दिए हैं। देखिए मसाले मेरे पक चुके हैं। अब मैं इसमें अपना ये प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को हमें हल्का गुलाबी करना है। ये जब तक मेरा प्याज भून रहा है तब तक ये टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन का मुझे पेस्ट बना लेना है। तो मैं इसका पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं प्याज वगैरह भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये अपना टमाटर, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, जो मैंने पीस के रखा है। मुझे अच्छे अच्छे से भून लेना है। सब्जी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मसाले भूनना है। जब तक मैं इसमें अपने सूखे मसाले ऐड कर दे रही हूँ, मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ 1 चम्मच और ये धनिया 1 चम्मच डाल दे रहे हूँ और ये कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने लिया 1/2 चम्मच वो डाल दिया। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालना मुझे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। और मुझे अच्छे से ये मसाले सब भून लेने हैं। देखिए अभी जब किनारे से घी छोड़ने लगेगा तब मेरे मसाले भून जाएंगे। अभी ये मसाला भून रहा है। ये देखिए मसाले मेरे पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये चने की दाल डाल दे रही हूँ। मैंने इसे भिगा के रखा था। और अब मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। मैं इसमें कुछ दिए धनिया, जो धनिया पत्ती मैंने काट के रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ, हरा धनिया। और मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
देखिए दाल भी एकदम भून चुकी है। अब मैं इसमें ये गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी आप जितना भी कम ज्यादा खाते हो उस हिसाब से दाल बनाइए। मैंने इसमें ये 1.5 गिलास पानी डाला है। अब मुझे इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है। मैं प्रेशर कुकर लगा रही हूँ, 3 से 4 सीटी आने तक इसे मुझे पका लेना है। ये देखिए मैं ढाबा स्टाइल दाल बनके तैयार हो गई है। ये देखिए दाल एकदम पक चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें तड़का पैन में घी गरम कर लिया और उसमें ये मैं सूखी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दे रही हूँ। ये देखिए मेरी ढाबा स्टाइल चना दाल बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी चने दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।